हमने पिछली वीडियो में इस पॉइंट तक कैलकुलेशन कर ली थी और इसको इक्वेशन 2 कहा था। R इज इक्वल टू आर वन प्लस डेल्टा आर अपॉन 2, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 2 बना लिया था। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का हम दोनों साइडों पे से स्केयर ले लेते हैं। अगर हम इस R का स्केयर ले तो R स्केयर बन जाएगा इज इक्वल टू, आर वन का स्केयर लिया तो आर वन स्केयर प्लस डेल्टा आर का स्केयर लिया तो डेल्टा आर स्केयर अपॉन 2, 2 का स्केयर लिया तो 2 का स्केयर 4 बन गया प्लस 2 इंटू आर वन इंटू डेल्टा आर अपॉन 2। ये 2 जो है ये 2 2 से कैंसल हो जाता है तो हमारे पास क्या बाकी रह जाएगा, आर वन डेल्टा आर, आर वन डेल्टा आर, ये हमारे पास बच जाएगा। अब देखिए भाई हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन गया, आर वन स्केयर प्लस डेल्टा आर स्केयर अपॉन 4 प्लस आर वन डेल्टा आर। अब ये जो डेल्टा आर स्केयर अपॉन 4, इसका हम कंपैरिजन ले लेते हैं आर वन स्केयर से। आर वन स्केयर से अगर हम कंपेयर करें डेल्टा आर स्क्वायर अपॉन 4 को, तो ये डेल्टा आर स्क्वायर हमने पिछली वीडियो में कहा था कि ये वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन रेडियस है और ऑलमोस्ट ये निग्लिजिबल है। तो हम क्या करते हैं, ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, स्टेप वन से स्टेप टू तक ये डेल्टा आर वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन रेडियस है। सो ये जो क्वांटिटी है इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, डेल्टा आर स्क्वायर अपॉन 4 को हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन का स्क्वायर प्लस आर वन डेल्टा आर। अब हम इस आर वन स्क्वायर प्लस आर वन, ये डेल्टा आर को आर टू माइनस आर वन लिख सकते हैं हम, ठीक है, आर वन का स्केयर प्लस आर वन को इससे मल्टीप्लाई करें तो आर वन आर टू माइनस आर वन से मल्टीप्लाई होगा तो आर वन का स्केयर बन जाएगा। अब देखो ये आर वन का स्केयर पॉजिटिव में है, प्लस में वैल्यू है, और ये आर वन का स्केयर नेगेटिव में है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, आर वन आर टू, तो हमारे पास आर स्केयर की वैल्यू आर वन आर टू आ गई। अब इसको देखें भाई, पिछली वीडियो में हमने कहा था कि ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये फोर्स जो है एक वेरिएबल फोर्स है, हम इसको कांस्टेंट बनाने के लिए हमने पूरे पाथ को डिवाइड किया था छोटे छोटे स्टेप में ताकि हमारा फोर्स जो है कांस्टेंट हो जाए। अगर हम आर स्क्वायर की जगह आर वन आर टू, इस आर स्क्वायर की जगह आर वन आर टू ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्स्टेंट। एक बार हमारा फोर्स जब कांस्टेंट बन गया तो अब हम वर्क फाइंड आउट करेंगे स्टेप वन से स्टेप टू तक, फिर स्टेप थ्री से स्टेप फोर तक, एंड सो ऑन एंड स्टेप तक का हम वर्क फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम वर्क डन जो है फाइंड आउट करने जा रहे हैं, बस हमें एक बार फोर्स को कांस्टेंट बनाना था जो कि हमने बना लिया है, बहुत ही आसान है भाई। अब हम वर्क फाइंड आउट करेंगे स्टेप वन से स्टेप टू तक का, स्टेप वन से स्टेप टू तक का वर्क का फॉर्मूला हमारे पास है एफ डी कॉस थीटा, ठीक है भाई, एफ डी कॉस थीटा, इसको हम एफ डी कॉस थीटा, थीटा की जगह 180। अब ये थीटा की जगह 180 कैसे आया भाई, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को अपवर्ड लेकर जा रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, तो एंगल क्या बनता है भाई, 180। और आप जानते हैं कॉस 180 की वैल्यू जो होती है वो माइनस वन के इक्वल होती है, और माइनस वन से जब ये एफ डी मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू भी, ये एफ डी जो है माइनस एफ डी बन जाएगा, क्योंकि कॉस 180 जो होता है ये माइनस वन के इक्वल होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है भाई, ये फोर्स, फोर्स हमने ये वाली बना ली है, फोर्स की जगह माइनस जी एम आर वन आर टू, आर वन आर टू, और डिस्प्लेसमेंट डी की जगह क्या लिखेंगे, वन से टू तक डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है। अब डेल्टा आर, डेल्टा आर हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इस डेल्टा आर को हम जो है आर टू माइनस आर वन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है भाई, माइनस जी एम इसको बैर कांस्टेंट बना लेते हैं, तो
R1 R2 को इस पे डिवाइड कर देते हैं, R1 R2 माइनस ये वाला हमारा R1 है, R1 R2 इधर ब्रैकेट। अब देखें भाई ऊपर R2 है नीचे भी R2 है, R2 R2 से कैंसल, इधर देखें ऊपर R1 है नीचे भी R1 है, R1 R1 से कैंसल, तो हमारे पास क्या बना भाई माइनस जी एम 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये हमने पहले स्टेप स्टेप वन से स्टेप टू तक का वर्क फाइंड आउट किया, तो ये हमारे पास वर्क आया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। अब सिमिलरली हम स्टेप टू से स्टेप थ्री का वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, तो वेरी सिंपल भाई, स्टेप टू से स्टेप थ्री का वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, तो माइनस जीएम, सिर्फ एक चेंज हमने करना है क्योंकि अब टू से थ्री तक जा रहे हैं, तो पहले हम देखें स्टेप वन से स्टेप टू तक गए तो 1/R1 माइनस 1/R2 लिखा, अब क्योंकि हम टू से स्टार्ट ले रहे हैं और थ्री पे एंड कर रहे हैं तो हम इसको लिखते हैं भाई 1/R2 माइनस 1/R3। तो ये हमारा तीसरे स्टेप स्टेप टू से स्टेप थ्री तक का वर्क डन हमने फाइंड आउट कर लिया, तो दिस इज अ सेकेंड स्टेप स्टेप टू से स्टेप थ्री का वर्क डन। अब हमने लास्ट एंड स्टेप का वर्क डन फाइंड आउट करना है, जब हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे लास्ट स्टेप एन माइनस वन का एन स्टेप तक, ये इधर एक स्टेप है उस स्टेप का नाम है भाई एन माइनस वन इधर तक, और इधर जो हाइट है इस स्टेप से लेकर इस स्टेप तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा है, ठीक है भाई। तो इसको भी सेम हमने जी एम एम 1/R, क्योंकि हम एन माइनस वन से जा रहे हैं n-1 से n तक हमने वर्क डन फाइंड किया, तो उसकी वैल्यू ये आई। तो दिस इज अ इक्वेशन 4, इसको हम इक्वेशन 4 बना लेते हैं। अब हमने करना क्या है, जितना हमने वर्क डन फाइंड आउट किया इसको हमने प्लस करके हमने टोटल वर्क डन जो है फाइंड कर लेना है। हम स्टेप वन से स्टेप टू तक का वर्क डन, स्टेप टू से स्टेप थ्री का वर्क डन और एन वन स्टेप से एन स्टेप तक का वर्क डन जो है इसको प्लस करके हम टोटल वर्क डन बना लेते हैं, वेरी सिंपल। तो अब हमने क्या करना है, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, टोटल टी से टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो स्टेप वन से प्लस स्टेप वन से स्टेप टू तक का वर्क डन प्लस स्टेप टू से स्टेप थ्री तक का वर्क डन प्लस एंड सो ऑन स्टेप एन माइनस वन से एन तक का वर्क डन प्लस। अब देखो भाई ये माइनस जी एम एम माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ये एक ही वैल्यू है, तो हम इसको कांस्टेंट ले लेते हैं, ये सेम है जी एम। अब हम ये वाला फैक्टर लिखते हैं क्योंकि पहले स्टेप वन स्टेप टू तक का जो वर्क डन था उसमें ये वाला फैक्टर हम ऐड करते हैं, तो 1/R1 माइनस 1/R2 ये वाला प्लस का साइन प्लस 1/R2 दूसरे स्टेप का वर्क डन माइनस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन हमारा ये 1/RN माइनस 1 माइनस 1/RN। अब देखें भाई अब क्या होगा, ये माइनस 1/R2 ये इससे कैंसल हो जाएगा, ये 1/R3 माइनस इधर एक पॉजिटिव वैल्यू होगी उससे कैंसल हो जाएगा, और इसी तरह ये वाला फैक्टर भी कैंसल हो जाएगा इससे,
ये वाला फैक्टर भी इससे कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, हमारे पास ये वाला रिलेशन बचेगा, वन माइनस जी एम वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर एन। तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन का फार्मूला बना। अब इस टोटल वर्क डन को हम क्या कह रहे हैं भाई, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे देते हैं। हम इस टोटल वर्क डन को एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे देते हैं। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का नाम देने से पहले मैं एक चीज बता दूं, ये जो हमारे पास एन है ना, क्योंकि बॉडी को हम इनफिनाइट पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं, तो इस आर एन को देखें भाई, इनफिनाइटी पे क्योंकि हम बॉडी को लेकर जा रहे हैं, तो इसलिए इनफिनाइटी को हमने एन लिखा और एन को हम जो है इस तरह इनफिनाइटी का साइन बना देते हैं। तो क्योंकि हमारे पास ये आर एन था और ये आर एन जो है इनफिनाइटी के इक्वल था और ये वाला हमारा फैक्टर जीरो हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि ये वाली वैल्यू को देखें भाई, जब हम इसको आर को इनफिनाइटी से डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमारा जो टोटल वर्क डन है, जिसे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का नाम भी दे देते हैं, यू से एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को शोर किया, तो माइनस जी एम ये वाला फैक्टर जो है ये जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, आर वन माइनस जी एम, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इधर हमारा आर वन बन जाएगा। दिस इज द फार्मूला ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये जो फार्मूला है, ये इस पॉइंट को हमने रेफरेंस पॉइंट माना था और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का फार्मूला है। अगर हम बात करें अर्थ की सरफेस की, तो हमारे पास क्योंकि ये आर वन जो है अर्थ की सरफेस पर कैपिटल आर बन जाता है, तो हम इसकी जगह जो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की जगह इस आर की जगह माइनस जी एम आर ये भी फार्मूला लिख सकते हैं। दिस इज सेकेंड फार्मूला ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें भाई, ये जो माइनस का साइन है, नेगेटिव साइन है, ये इस बात को शो करता है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट पर हर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और एक और बात भाई, अगर रेडियस बढ़ेगा तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी। बिलफर्स इस पॉइंट पर हमें बॉडी पर ज्यादा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बॉडी को देनी होगी, जैसे जैसे हम हाइट अटेन करते जाएंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सी यू माय नेक्स्ट वीडियो।